नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिटेलिंग तो सबसे पहले बात समझना ज़रूरी है कि एक गुड्स रिटेलिंग क्या है और एक सर्विस रिटेलिंग क्या है जब भी हम टेंजबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होंगे टेंजबल प्रोडक्ट्स की रिटेल की बात कर रहे होंगे इट इज़ अबाउट द गुड रिटेलिंग जब हम इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होंगे इन टेंजिबल चीज़ों की बात कर रहे होंगे इट इज़ अबाउट द सर्विस रिटेलिंग देर आर रिटेलर्स विच आर ऑफरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिटेलर एज वेल ऐसा भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि देर आर रिटेलर जो कि गुड्स रिटेलर भी हैं एंड एट द सेम टाइम देर आर सर्विस रिटेलर्स एज वेल तो कौन कौन सी काइंड ऑफ सर्विस रिटेलिंग हमारे पास है अगर हम सर्विस रिटेलिंग को डिस्कस करते हैं इन डिटेल बिकॉज गुड्स रिटेलिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट ऑफ अलॉट तो सबसे पहले कौन कौन सी टाइप्स हैं सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो रेंटेड गुड uh, सर्विसिंग की बात है ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेंट और यूज़ टेंजिबल गुड्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का रेंटल की बात हो रही है सो so, uh, अगर आप रिटेलिंग में इन्वॉल्व हैं जो कि रेंटेड गुड्स के हवाले से है फॉर एग्जांपल कैसेट्स हैं फॉर एग्जांपल सीडीज़ का रेंटल है फॉर एग्जांपल डीवीडीज़ का रेंटल है तो ये वो रेंटेड गुड्स हैं जिसकी रिटेलिंग इज ए सेपरेट सर्विस रिटेलिंग बिजनेस देन ओन गुड्स सर्विसेज रिपेयर मेड फॉर गुड्स की हवाले से है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सर्विस रिटेलिंग के अंदर इन्वॉल्व तो हैं बट ओन गुड सर्विसेज की बात हो रही है तीसरा मेथड हमारे पास है नॉन गुड सर्विसेज, जिसको हम कह रहे हैं इंटेंजिबल पर्सनल सर्विसेज आप सेल करते हैं विच इज़ डॉक्टर की सर्विस है लॉयर की सर्विसेज है तो ये वो इन सर्विसेज हैं जो कि आप सेल कर रहे होते हैं टू एंड कंज्यूमर टू यूज़र। फिर सर्विस uh, रिटेलिंग की जो है वो हाईली डिपेंडेंसी है ऑन पर्सनल इंटरक्शन किसके दरम्यान बिटवीन द रिटेलर एंड द कंज्यूमर और इन दोनों का रिलेशनशिप uh, बड़ा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा ई वर्ड ऑफ माउथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस इन रिलेशनशिप को आप अचीव कर सकते हैं अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की सर्विस uh, रिटेलिंग के तो चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस रिटेलिंग के सबसे पहले जो सर्विस इंडस्ट्री है इंटेंजिबिलिटी का फैक्टर है देन इनसेपरेटिबिलिटी का फैक्टर है देन पेरिशबिलिटी का फैक्टर है एंड देन वेरिएबिलिटी का तो ये जब सर्विस रिटेलिंग की बात होगी तो वो इंटेंजिबल इनसेपरेटेबल पैरिशबल एंड वेरिएबल की चीज़ों की बात हो रही होगी वेरिएबल गुड्स के हवाले से बात हो रही होगी सो लेट इज डिस्कस क्विकली दी कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन की तो इन के हवाले से हमारे पास कोई भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नो पेटेंट प्रोडक्शन पॉसिबल होता है इस तरह की सर्विसेज uh, का डिफिकल्ट टू डिस्प्ले या कम्युनिकेट सर्विस बेनिफिट्स आप किसी को बिकॉज सर्विस बेनिफिट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं डिफिकल्ट टू डिस्प्ले होता है कोई बोर्ड लगा के कोई चीज करके आप तो दैट इज सर्विस uh, की प्राइस डिफिकल्ट होती है सेट करना इस केस के अंदर बिकॉज आप कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं सो मे बी यू कैन से इट कि आप इसको सर्विस को यूज़ करने के बाद यू विल फील गुड अबाउट इट सो वो कितना गुड होंगे और उसकी क्या प्राइस होगी इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू सेट क्वालिटी जजमेंट इज सब्जेक्टिव एंड सम सर्विसेज इन्वॉल्व द एक्सपीरियंस ऑल्सो और परफॉर्मेंस इज ऑल्सो सो इन टेंजिबिलिटी के हवाले से ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडरेशन में आते हैं दूसरी बात अगर कर हम करते हैं दैट इज अबाउट द इनसेपरेटबिलिटी तो जो सर्विस रिटेलिंग है इसमें प्रोडक्ट को आप अलग नहीं कर सकते हैं सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन तो कंज्यूमर मे बी इन्वॉल्व इन सर्विस प्रोडक्शन जिस तरीके से गुड्स रिटेलिंग के अंदर है कस्टमर इज नेवर इन्वॉल्व इन गुड्स प्रोडक्शन हाउ एवर इन सर्विसेज द कंज्यूमर इज इन्वॉल्व और मे इन्वॉल्व इन सर्विस प्रोडक्शन सेंट्रलाइज मैस प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज हमने बात की कि यहाँ पर ज़्यादातर पर्सनल इंटरेक्शन है एंड कस्टमर लॉयल्टी मे रेस्ट विद एम्प्लॉयिज़ क्योंकि अगर आपका एक बंदा एक एम्प्लॉई एक पर्सनैल छोड़ के चला जाता है तो कस्टमर की लॉयल्टी उस एम्प्लॉई के साथ है उसकी लॉयल्टी आपके साथ एज ए रिटेलर नहीं है बिकॉज सर्विसेज आर नॉर्मली पर्सनल डिपेंडेंट और उसकी डिपेंडेबिलिटी लोगों की वजह से होती है फिर देन जो सर्विसेज़ हैं पैरेशबल की बात है कि इसकी आप इन्वेंट्री uh, नहीं कर सकते हैं सिजनेलिटी के इफेक्ट कैन बी सवेयर हो सकता है और प्लानिंग एम्प्लॉय कैजुअल कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज द सर्विसज आर पैरेशबल तो ऐसा गुड्स uh, के केस के अंदर यू कैन नो के दीज आर द पीक आवर्स एंड लेस पीक आवर्स बट इस केस के अंदर प्लानिंग कैजुअल कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स इट इज पॉसिबल टू मेक बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स Last part, which is characteristics of service retailing. The fourth part is the variability of uh, services because standardization and quality controls are hard to achieve. Customer experience of customer A can be different from the experience of customer B. So, standardization uh, is not possible or is very hard to achieve. Then, services may be delivered in different locations beyond the control of management. कस्टमर में प्रसिव वेरिएबिलिटी इवन मैन इट डज नॉट एक्चुअली अकर बिकॉज इट इज़ अबाउट सर्विस हो सकता है पहली दफा जब कस्टमर ने आपके साथ एक्सपीरियंस किया हो उसको बहुत अच्छा फील हुआ हो इफ़ सेकंड टाइम आपने उसको सर्विसज दिए फॉर एग्जांपल टेलर की सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल बार्बर की सर्विसेज हैं सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी ही वॉज नॉट अ सेटिस्फाइड कस्टमर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो सर्विस रिटेलिंग के अंदर जब हम uh, बात करेंगे So the nature of relationship with the customer would be different, the experience with the customer would be different. the satisfaction of the customer may vary because of the intangibility, because of the variability, because of the perishability and because of the inseparability. However, in goods retailing, at least you have the standards and benchmarks available where you can do. So I must say that in goods retailing, the relation maintaining the relationship,

एक अच्छी पैरामीटर के ऊपर उसके अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक अच्छे टर्नओवर के लिए एक अच्छे ट्रैफिक के लिए ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप को बिल्ड करे, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करे बेशक इट ही इज़ डीलिंग इन टू सर्विस रिटेलिंग और बेशक इज़ डीलिंग विद गुड्स रिटेलिंग